पहला क्वेश्चन यह है कि आप इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, ये आप सेलेक्ट कीजिए, ये आपके पास है ऑप्शन। अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपका ऑप्शन है। और अगर आपको ये भी लगता है कि जैसे कोई और टॉपिक है जैसे मतलब कंप्यूटर में उस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी बताइए। तो चलिए आपको इसमें सबसे पहला हम बताते हैं कि इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, वो है आपका इसमें होगा आउटलाइन। आउटलाइन व्यू इसमें नहीं होता है, ठीक है। और बाकी स्लाइड शो भी होता है, स्लाइड व्यू होता है, प्रेजेंटेशन भी होता है, लेकिन आउटलाइन व्यू इसमें इस नाम से कोई जल्दी व्यू नहीं होता है। नेक्स्ट है कि आप कैसे किसी प्रेजेंटेशन में चार्ट को रख सकते हैं। चार्ट मतलब खाने वाला मत सोच लीजिए, चार्ट ग्राफ चार्ट जैसे होता है ना, कॉलम लाइन पाई बार एरिया इस तरह का चार्ट। तो उसका एक बढ़िया जो मतलब तरीका होगा, जैसे एक एक्सेल में क्वेश्चन पूछे थे, शायद आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे एक्सेल का, तो उसमें एक एक्सेल में क्वेश्चन था कि एमएस एक्सेल में चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर चार्ट क्रिएट करने के कुल कितने स्टेप थे। तो उसका स्टेप था तीन, पहला कि हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, दूसरा इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तीसरा जाके चार्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन इस यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे चार्ट को रख सकते हैं, तो इसमें मात्र दो ही ऑप्शन होगा, इंसर्ट पे जाएंगे उसके बाद फिर चार्ट पे क्लिक करेंगे, और बाकी ये सारे जो ऑप्शन है ये सब सब गलत हो जाएगा, ये सब गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि करेंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड, करेंट प्रेजेंटेशन मतलब अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये, कि ये भी एक प्रेजेंटेशन ही है, पता नहीं होगा आपको बता देते हैं, ये भी एक क्या है, प्रेजेंटेशन ही है। एक करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। शॉर्टकट की बहुत आता है, आप लोग को याद करना चाहिए, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एन होगा, सॉरी कंट्रोल एम होगा। कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर होता है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसका होगा बी नंबर ऑप्शन .ppt, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट में शैडो टाइटल टेक्स्ट और बॉक्सेस जैसे कलर बदलने की सुविधा प्रदान करती है। इसका होगा आंसर क्या होगा, इसका ड्राइंग टूल्स होगा। ड्राइंग टूल्स मतलब आप पावर पॉइंट यूज करते हैं तो किसी भी बॉक्स पे जो शेप टाइप का बना हुआ रहता है, शेप शेप नहीं शेप टाइप का बना हुआ होता है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर में ड्राइंग टूल्स होगा, और ड्राइंग टूल्स से ही आप उसे कलर वगैरह, उसका फॉन्ट वगैरह भी, उसका स्टाइल भी, उसका लिखने का तरीका भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप स्लाइड शो जो चल रहा है, इस स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। तो उसका रोकने का तरीका होता है एस्केप बटन से, एस्केप ESC, इसका पूरा नाम होता है ESC, मतलब सॉरी इसका पूरा नाम होता है एस्केप, पता है शॉर्ट नेम ESC लिखा था, जो कि कीबोर्ड के लेफ्ट में मतलब लेफ्ट साइड में सबसे टॉप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को कैसे, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, मतलब टेबल मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट पे टेबल पे क्लिक करेंगे। दूसरा है कि ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट्स पैनल में, पैन में मतलब पैनल यहाँ पे होना चाहिए था आई थिंक, पैनल में इंसर्ट स्लाइड पर क्लिक करके, जैसे अगर आप लेते हैं ना टोटल स्लाइड कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि मतलब पावर पॉइंट में टोटल स्लाइड की कितने प्रकार होते हैं, तो 9 प्रकार के टोटल स्लाइड होते हैं। तो 9 प्रकार में जैसे कि एक होता है प्रकार होता है टाइटल एंड कंटेंट्स, तो टाइटल में तो आप टाइटल लिखिएगा, देन कंटेंट्स जो है कंटेंट्स के तौर पे आप यहाँ पे वहां पे टेबल भी बना सकते हैं। इसका दो तरीका होता है, ए और बी दोनों इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद फिर हाइड, हाइड मतलब छुपा देना, हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है, इसमें से आपको बताइए कि आप हाइड स्लाइड का ऑप्शन का यूज किस चीज के लिए करते हैं। तो यह होता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, इसका आंसर होगा ए नंबर होगा, ए नंबर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्लाइड के बैकग्राउंड की तरह यूज किया जा सकता है। एक्चुअली ये भी होगा, टेक्स्टर भी है, पिक्चर भी है, ये सभी होगा, इसका डी होगा आंसर, सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में कंट्रोल ई, कंट्रोल पता है ना शॉर्टकट की, फिर आ गया कंट्रोल ई कमांड का यूज किस चीज के लिए होता है, तो टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, आंसर इसका सी होगा, मतलब टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए कंट्रोल प्लस ई से सेंट्रल अलाइनमेंट। अच्छा है, पावर पॉइंट में कंट्रोल ई कमांड का यूज होता है, फिर से आ गया, वाह फिर से जान लेंगे हम लोग, कंट्रोल ई होता है इसका शॉर्टकट की, सॉरी कंट्रोल ई से सेंटर में टेक्स्ट को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंड आउट का यूज,
हैंडआउट, एक हैंडआउट मास्टर होता है पावर पॉइंट में, जो कि लास्ट में व्यू में होता है, हैंडआउट का यूज करके कितनी स्लाइड को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है। एक्चुअल में देखिए होता है ज्यादा, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो रहता है 6 रहता है, तो आंसर इसका 6 होगा। और आगे भी होता है, आप उसके कस्टमाइज किया जाता है। लेकिन अब ये अगला क्वेश्चन है कि यदि आप स्लाइड के केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा टैब यूज करिएगा, इनमें से कौन सा टैब यूज कीजिएगा जिससे कि सिर्फ आप टेक्स्ट को ही देख पाइएगा, बाकी कोई डिजाइन को इसमें नहीं देख पाइएगा। तो पावर पॉइंट में भी एक आउटलाइन होता है, जिसे आपको बोले ना कि आउटलाइन, उसमें व्यू नहीं होता, वो व्यू था, इसमें है कि सिर्फ देखने के लिए आपको साइड से इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका कोई अलग से इस्तेमाल नहीं, तो यहाँ पे आउटलाइन इसका आंसर होगा। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यह है कि यदि आप स्लाइड का ऑर्डर बदलना चाहते हैं, ऑर्डर मतलब जैसे जो एक नंबर पे उसे 5 नंबर पे, जो 5 नंबर पे उसे 3 नंबर, 4 नंबर, मतलब इस तरह से करके कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो यदि आप स्लाइड का ऑर्डर बदलना चाहते हैं तो आप किस, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका, मतलब कौन सा व्यू सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए होगा आंसर होगा इसका स्लाइड शॉर्टर व्यू होगा। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू से यह सब काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्लाइड में हाइपरलिंक वही जो किसी दूसरे जगह पे जो फाइल रहा था उसे अपने जगह पे बुला लेता है, मतलब लिंक करने का काम करता है। किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि शॉर्टकट की, अगर ये मतलब ये बोलता है ना कि कौन सा तरीका इसमें सही है, तो इसमें सब हो जाता है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन बोला है, तो हाइपरलिंक स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ ए होगा, आंसर ए, ओनली ए और बी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन तो एक ये भी है कि चलिए हम कर लेंगे, लेकिन इसे शॉर्टकट की बोला जाता है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन वर्ड आ रहा है, तो हम मतलब इंसर्ट पे जाएंगे, उसके बाद हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर ठीक है, डैश 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 मेन्यू में होता है, वो व्यू मेन्यू में होता है, स्लाइड सॉर्टर जो होता है वो व्यू मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है कि रेडीमेड स्टाइल, रेडीमेड कपड़ा भी आता है, वाह अच्छा, याद रखिएगा, रेडीमेड कपड़ा भी आता है, रेडीमेड ये भी है, यहाँ पे एक भी मतलब रेडीमेड की चर्चा हो रही। रेडीमेड स्टाइल में बनी फाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है वो कहलाती है टेम्पलेट, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करते हैं, तो उसका होगा मतलब आंसर होगा F7 से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में डैश डैश टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए कंटेनर की तरह यूज किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में ही आप मतलब एक टेक्स्ट कंटेनर की तरह यूज किया जाता है। किसी स्लाइड में इनमें से कौन दो से ऑप्शन सकते हैं, मतलब इनमें से कौन से दो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा टेक्स्ट और ग्राफ। ठीक है, एक्चुअल में इसका आंसर जो होगा आपका ए और बी दोनों होना चाहिए, इसका ये दोनों होगा तब जाकर वो सही रहेगा, क्योंकि आप एक चीज में दो ऑप्शन कैसे कर सकते हैं। आप अगर आप यहाँ पे क्लिप आर्ट है, जैसे थर्ड नंबर ऑप्शन देख रहे हैं क्लिप आर्ट है, तो अगर एमएस वर्ड 2010 या 2013 या 2016 में क्लिप आर्ट है भी नहीं, ठीक है, ड्रॉइंग टूल्स है, ड्रॉइंग आर्ट्स है, विजुअल नाम का कोई जगह नहीं होता, तो ये आपका ए और बी, ए नंबर और बी नंबर, ये दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट का यूज किया जाता है किस चीज के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, डाटाबेस का तो एमएस एक्सेस का यूज किया जाता है, अकाउंटिंग के लिए टैली का, प्रोग्रामिंग के लिए C++, जावा, कॉमल, HTML, विजुअल बेसिक, ये सब चीज का, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइड शो को कैसे चलाया जाता है, इसको कंट्रोल करने वाले टूल्स डैश डैश टैब में होते हैं, मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा टूल्स में इसको कंट्रोल करने वाले टूल्स होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग स्लाइड शो, बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइड में एनिमेशन का यूज करने के लिए टैब का, मतलब टैब का यूज किया जाता है, कौन सा इसमें टैब का यूज किया जाता है एनिमेशन को यूज करने के लिए, एनिमेशन चलाने के लिए, एनिमेशन टैब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट का यूज किस चीज के लिए किया जाता है, तो प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, इसमें लेटर राइटिंग है, एमएस वर्ड का, एनालिटिकल
एनालिटिकल्स ऑपरेशन, ये पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, डाटा मैनेजमेंट, तो ये सारा चीज है। इसका अगला क्वेश्चन है कि जब पॉइंटर, पॉइंटर मतलब ये जो है ना, कहाँ गया, मिला, मिल गया, ये जो ऐसे से घूम रहा है इस तरह से, ये इसी को पॉइंटर कहते हैं। जब पॉइंटर डैश डैश पर कर्सर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। वो हाइपरलिंक पर जब जाइएगा ना कर्सर को लेकर, तो वो उसका सिंबल हाथ के जैसा हो जाएगा, मतलब आप इंटरनेट चलाए होंगे तो उसमें देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में बनाई गई प्रेजेंटेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए डैश डैश कमांड का प्रयोग किया जाता है। आप डिस्प्ले पे मतलब इसको लाने के लिए आपको स्लाइड शो व्यू को आपको अप्लाई करना होगा, जिससे आप मतलब देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड इनमें से निम्न में के दौरान तैयार हो सकता है, इनमें से किसके मतलब द्वारा तैयार किया जा सकता है, तो पावर पॉइंट के द्वारा तैयार किया जाता है। एमएस एक्सेल दूसरा होता है, एमएस एक्सेल का डाटाबेस होता है, ये फॉर्मूला बेसिस पे काम करता है, एमएस वर्ड में लेटर राइटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपके प्रेजेंटेशन में अनेक मतलब एक से अधिक अनेक स्लाइड हो तो डैश डैश का यूज करके आप आसानी से अपनी सारी स्लाइड को देख सकते हैं, देख सकते हैं और उसे प्लेस में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वही बात आ गया, फिर इसका पहले एक क्वेश्चन और भी था कि अगर हम स्लाइड को जैसे कि उसका पोजीशन बदलना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन करेंगे, तो इसका भी वही है कि अगर उसका प्लेस बदलना मतलब जो एक नंबर है उसे 3 नंबर करना है, 10 नंबर करना है, ऐसे करना है, तो उसका भी ऑप्शन क्या होगा कि स्लाइड शॉर्टर भी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमेशन टाइप में कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, इनमें सभी होगा, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, फ्लाइन वगैरह वगैरह सब होता है। पावर पॉइंट को रन करने के लिए रन विंडो में क्या टाइप किया जाता है, मतलब आप विंडो आर प्रेस करते हैं उसमें रन ओपन होता है, ठीक है, और रन में हम क्या टाइप करेंगे जो जिससे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, तो उसे है उसका आंसर होगा ए नंबर, पावर, पावर पी एन टी, पावर पी एन टी टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो उसे हो जाएगा। इनमें से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये ए बी सी डी, इनमें से कौन सा व्यू जो है कि पावर पॉइंट में नहीं होता, वो डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट जो होता है एमएस वर्ड का क्वेश्चन है,